والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا هزوم من الأنبياء وأنتم هزي من الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام اساتذہ عظام بزرگان دین میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور با ضمیر ملک بھر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی السلام علیکم آج الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 40ویں سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے صبح 10 بجے سے لے کر اس وقت تک بہت سارے اکابرین علماء کرام نعت خواں اور قرا حضرات نے آپ دوستوں کے سامنے جلوہ افروز بھی ہوئے اور بیانات بھی فرمائے آپ دوستوں نے جہاں ان اکابرین کی زیارت کی وہاں آپ دوستوں نے ان کی دعائیں بھی لی میں بھی حصول سعادت کے لیے مختصر وقت میں دو تین باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا رحمت کائنات مقصود کائنات سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ بھی محبت کے ساتھ اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیغمبر کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے آپ پر اونچی آواز سے کہہ دیجئے اس عقیدے کو عقیدہ اور اونچی آواز سے آج سٹیج پر بھی ہمارے اکابرین موجود ہیں میرے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر موجود ہے اس موقع پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا زندگی کا کچھ پتہ نہیں
किस वक्त मेरी और आपकी जिंदगी की शाम हो जाए ये भी मालूम नहीं कि मैं स्टेज से जिंदा नीचे भी उतर सकूंगा या नहीं। इस मौके पर मैं और आप अपने साथ बैठने वाले अपने भाई को अपने इस अकीदे का गवाह बनाकर, बल्कि मैं यूं कहूंगा मेरा और आपके इस बुनियादी अकीदे का गवाह बनाकर, ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है अकीदा खत्मे नबूवत। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबूवत है तो मेरा ईमान है। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबूवत है तो मैं और आप मुसलमान हैं। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबूवत है तो नमाज है। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबूवत है तो रोजा है, हज है, उमरा है, तवाफ है, तहज्जुद है, इशराक है, नवाफिल है, तरावी है, तबलीग है। अगर ये अकीदा खत्मे नबूवत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है। मैं चाहता ये हूँ आज अपने साथ बैठने वाले अपने भाई को अपने इस बुनियादी अकीदे का गवाह बनाते हुए एक मर्तबा ऊंची आवाज से मैं और आप अपने इस बुनियादी अकीदे का जरूर इजहार कर लूं। कह दीजिए ऊंची आवाज से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और ऊंची आवाज से, एक तो मैं और आप अपने इस बुनियादी अकीदे का इजहार कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने फरीक के मुखालिफ अपने पैगंबर के दुश्मन हजूर के बागी कादियानियत के सीने पर एक चोट भी लगा रहे हैं। ऊंची आवाज से कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी है। और ऊंची आवाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, मेरे और आपके पैगंबर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजूर अल्लाह के आखिरी नबी, मेरे और आपके नबी के बाद जब भी किसी बदबख्त और बदनसीब ने नबूवत का झूठा दावा किया है, हजूर की पूरी उम्मत ने, हजूर के गुलामों ने, उस शाह के मोहम्मद ने मैदान में उतरकर एक पेज पर आकर अलल ईलान ये मौकफ इख्तियार किया, हुजूर के बाद जो शख्स भी नबूवत का झूठा दावा करे उसका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो हुजूर का उम्मती नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो काफिर और मुर्तद तो हो सकता है, वो मुसलमान ऊंची आवाज से वो मुसलमान नहीं हो सकता। जब भी किसी बदनसीब ने मेरे नबी के बाद नबूवत का झूठा दावा किया, उस शाह के मोहम्मद ने मैदान में उतरकर अपने पैगंबर की नामुस का तहफ्फुज भी किया है, हजूर के दुश्मन का मुकाबला भी किया है, आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ्फुज खत्मे नबूवत ने आज के फितना कादियानियत का हर मैदान में मुकाबला किया है, तारीख का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, तारीख तकरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, मुबैसे का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, मुनाजरे का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, अदालत का मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, आईन और कानून का मुकाबला मैदान हो तब भी मुकाबला किया है, हर मैदान में हजूर के दुश्मन का दियानियत का आपकी जमात आलमी मजलिस ने तहफ्फुज खत्मे नबूवत ने मुकाबला किया है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब तक सांस में जान में सांस है इंशाअल्लाह हुजूर की खत्मे नबूवत का तहफ्फुज किया जाएगा। आप भी ऊंची आवाज से कह दीजिए हजूर की खत्मे नबूवत का तहफ्फुज किया जाएगा इंशाअल्लाह। इस वक्त गुज़िश्ता रमजान शरीफ गुज़रा है, इस रमजान शरीफ
27 यूरोपीय ममालिक ने मिलकर एक करारदाद तैयार की, फिर उस करारदाद को पास किया। पास करने के बाद वो करारदाद मेरे मुल्क के हुक्मरानों के हाथों में थमा दी। उस करारदाद को यूरोपीय यूनियन की करारदाद कहा जाता है। उस करारदाद के अंदर उन्होंने लिखा कि मुल्क पाकिस्तान में तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के कानून को खत्म कर दिया जाए। क्या कोई मयूर मुसलमान इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि हुजूर की नामूस के कानून को खत्म कर दिया जाए? क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? उसी करता करारदाद के अंदर तवज्जो फरमाइए, उसी करारदाद के अंदर यह लिखा है कि कादियानी और मिर्ज़ाइयों को जिस आईन और कानून के तहत गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया है, उन सिखों को खत्म करके कादियानियों को उन्हीं के उन्हीं नजरियात के साथ उस पहले वाली पोजीशन में खड़ा कर दिया जाए कि कानून उन्हें काफिर ना कहे, वो मिर्ज़े गुलाम कादियानी को नबी भी माने, हजूर की तोहीन भी करें और पाकिस्तान का कानून उनको काफिर ना कहे। क्या कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त कर सकता है? उसी करारदाद के अंदर यह भी लिखा है कि मुल्क पाकिस्तान में वो अफराद, वो शख्स, वो लोग जिन्होंने तौहीन रिसालत के इर्तिकाब किया है, जिन्होंने मेरे और आपके पैगंबर की तौहीन की है, तौहीन रिसालत के इर्तिकाब किया है, मेरे और आपके नबी को नऊज़ु बिल्लाह गालियां दी है, उन पर मुकदमात और केस हैं, चाहे जिस अदालत के अंदर है, यूरोपीय यूनियन की करारदाद के अंदर यह है, उन सब लोगों को बड़ी इज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए। क्या कोई मुसलमान मेरे और आपके पैगंबर के तौहीन करने वाले को कोई रिहा करे बड़ी इज्जत तौर पर बर्दाश्त कर सकते हैं? यह करारदाद आई है मेरे मुल्क के हुक्मरानों पर। इस वक्त अगर देश दुश्मन कुफ्फतें दबाव पा रही है कि जल्द से जल्द इस यूरोपीय यूनियन की करारदाद पर अमल किया जाए, मेरे मुल्क के हुक्मरान उस दबाव में दबते चले जा रही है। आज एक नए पल ने जोश और जज्बे के साथ हाथ बुलंद करके अपने अकाबरीन के सामने आज के लिए इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है यूरोपीय यूनियन की करारदाद के ऊपर अमल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। क्या तुम तैयार हो? अगर किसी ने इस यूरोपीय यूनियन की करारदाद पर अमल करने के लिए कदम उठाया, इंशाअल्लाह हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, इस पर अमल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। क्या तैयार हो? इसी के साथ साथ इस वक्त कादियानियत हजूर के दुश्मन अपनी बहुत सारी मसनूआत फरोख्त करके उससे जो पैसा आता है उसकी बुनियाद पर हजूर के दुश्मन की गाड़ी चलती है। आइए मैं और आज स्टेज पर बैठने वाले अपने अकाबरीन से यह भी याद करें, इंशाअल्लाह कादियानियत का हर मैदान पे बैकाट करेंगे, उनकी मसनूआत का बैकाट करेंगे, कादियानियत का बैकाट करेंगे, उनके एक एक चीज का बैकाट करेंगे। अगर पूरे मुल्क में कादियानियत का बैकाट सोशल बैकाट कर दिया जाए, खुदा की कसम कादियानियत 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। आज कादियानियत इसलिए खड़ी है कि मुसलमान उनका बैकाट नहीं करता। मेरी और आपकी गैरत हो गई है, आइए आज अपने पैगंबर के नामों के तहफ्फुज़ के लिए गैरतमंद होके उनके बैकाट की मुहिम को आगे चलाएंगे। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।